अक्सर लोग अपनी जिंदगी का मजा और जिंदगी को एंजॉय करने के लिए आइलैंड पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर यही मजा सजा बन जाए तो। जी हाँ दोस्तों, हॉट स्टार की नई वेब सीरीज द मिस्ट्री ऑफ मॉक्स आइसलैंड के बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में कुछ ऐसी ही चीजें हमें देखने को मिलती है, तो दोस्तों डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना। द मिस्ट्री और मॉक्स आइलैंड की अगर जोनर की बात करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर शो है जिसके अंदर आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसकी लगभग लेंथ 25-35 के आसपास है। सीरीज के मेन लीड में हमें नजर आते हैं आशुतोष राणा, जो कि एक साइंटिस्ट के रोल में है, जिनको एक पागल साइंटिस्ट के तौर पर दिखाया गया है, जो कि अपने इन्वेंशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। वह अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है और एक ऐसी सीरम तैयार करने की कोशिश करता है जिससे कि इंसान को अमर बनाया जा सके, लेकिन इसी बीच उसकी मृत्यु हो जाती है और पीछे छोड़ जाता है एक बड़ी फार्मा कंपनी जिसकी टोटल कीमत लगभग 2400 करोड़ के आसपास होती है, और उसकी एक व्हील होती है और उसमें वह मेंशन करता है कि यार मरने के बाद उसकी सारी दौलत को उसके रिश्तेदारों में बांट दिया जाए। हालांकि इसके भी कुछ नियम और शर्तें होती है। इसमें से सबसे पहला नियम होता है कि जो भी उसके प्राइवेट आइसलैंड के ऊपर पूरा एक हफ्ता बिता लेगा वो उस सारी संपत्ति का मालिक होगा। पैसे के लालच के चक्कर में सभी रिश्तेदार उस आइसलैंड पर आते तो हैं, लेकिन एक एक कर उनकी मौत होने लग जाती है। अब ये मिस्ट्री कहां तक आगे जाएगी, क्यों उनके मर्डर हो रहे हैं, क्या कोई कर रहा है या वहां पर कुछ ऐसी चीजें पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, ये सारी चीजें जानने के लिए दोस्तों आपको इस शो देखना पड़ेगा। इस शो की यार प्लस पॉइंट की बात करें तो इस शो का पिक्चराइजेशन बहुत ही लाजवाब है और उसमें उसका साथ देता है दोस्तों इसका BGM, जो कि एकदम जबरदस्त। इसमें यार अच्छे तरीके से दिखाई गई है ग्रुप डिस्कशन को, जिस तरह से यार ऑडियंस को सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। वहीं अगर इस सीरीज के यार लो पॉइंट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले यार इस सीरीज की यार सबसे बड़ी जो कमी है दोस्तों वो है इसकी प्रोडक्शन वैल्यू। इसकी क्वालिटी के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं मेकर्स ने पूरा समझौता किया है, जो कि इसके बजट को देख के, इस शो को देखकर इसके बजट का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही इसकी हिंदी डबिंग भी ओरिजिनल नहीं है, जिस वजह से यार लिप्स और डायलॉग साथ में मैच कर ही नहीं पाते हैं। सो दोस्तों कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस शो का यार आइडिया काफी शानदार तरीके से यार एग्जीक्यूशन करना चाहिए था। आइडिया काफी अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है। हॉलीवुड के अंदर यार आइलैंड को लेके यार कितनी ही फिल्में बनी है और कितनी ही धमाकेदार तरीके से फिल्माई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यार ये शो अच्छा बनते बनते रह गया। सो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो वन टाइम वॉच अगर आप ऐसे ही फ्री हो तो कर सकते हो, लेकिन यार इस शो से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना। सो दोस्तों मैं दूंगा यार मेरी तरफ से इस शो को 5 में से 2.5 स्टार।